स्वागत है स्वदेशी गेमर्स यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी की डिमांड पे आज हम फिर से हैं स्वदेशी मोटर्स में। तो गाइस, आपने जिन लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा वो आज जल्दी से देखो, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमारे पास टोटल हो चुके थे 46,000, जिनका कि आज हम खरीदने वाले हैं एक तगड़ी सी कार। गाइज, आज का हमारा मोटिव होने वाला है $1,00,000 कमाना और उससे फिर अपने शोरूम के लिए कोई अच्छी सी कार खरीदना। तो गाइज, पहले हम गाइज थोड़ा सा घूम लेते हैं। गाइज, ये है हमारा गाइज नया दोस्त इस गेम में, जो कि गाइज हमारे पहले दिन हमने इसको दोस्त बना लिया था। और गाइज, ये अपने ऑफिस को बिल्कुल चकाचक रखता है, बिल्कुल एक चमका के रखता है, एक भी गंदगी नहीं होने देना है। तो गाइज, अब हमें और बातें नहीं करनी है, हमें जल्दी से अपने मोटिव के ऊपर ध्यान रखते हुए जल्दी से हमें नेबरहुड में जाना है और कोई अच्छी सी कार खरीद के लानी है, क्योंकि हमारा $1,00,000 कमाने का जो मोटिव है वो ऐसे ही कंप्लीट होगा। तो गाइज, इधर तो कोई अच्छी सी कार मेरे को दिख नहीं रही, एक डोज चैलेंजर है, इससे पूछ लेते हैं पहले एक बार पूरा यार गाइज राउंड मारता हूँ, फिर बाद में पूछ लूंगा कि कौन सी कार कितने की है। जल्दी से देख के आते हैं, ये कोई खटारिस कार दिख रही है गाइज। ये गाइज टेस्ला भी है यहाँ पर, डोज चैलेंजर है ये गाइज। इससे शुरुआत कर देते हैं पूछने की, डोज चार्जर 26,000 गाइज दे रहा है, मैं इससे लेने वाला हूँ 24,500 रुपये की। गाइज नहीं दे रहा है ये, 25,000 की पूछ लेते हैं इससे, 25,000 में देता है या नहीं देता है। नहीं गाइज, 25,000 में भी नहीं दे रहा है, 26,000 में हमें गाड़ी खरीदनी पड़ी। लेकिन गाइज, इस गाड़ी में तो भाई साहब नाइट्रो है। ओ भाई, ओ ओ भाई, क्या स्पीड है गाड़ी की भाई साहब। ओ भाई, ये तो ऑटो कंट्रोल हो गई है। ओ भाई साहब, क्या कार है। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई साहब, ये तो गाइस ऑटो कंट्रोल हो रही है। ओ भाई, ये ठुक जाएगी ऐसे तो। गाइस फुल स्पीड, गाइस क्या स्पीड है गाइस इस कार की, तो बिल्कुल मजा आ रहा है इसको चलाने में। तो जल्दी से इसको खड़ा करते हैं अपने ऑफिस पे और जल्दी से इसको सेल पे लगा देते हैं। गाइस मजा आ गया ऐसी गाड़ी चाहे भाई साहब, क्या मजा भाई, पूरा मजा आ गया इस गाड़ी को चलाने में भाई। चलो एक राउंड और मार के आते हैं इस गाड़ी को जल्दी भाई। मेरा तो यार मन कर रहा है कि इस कार को अपनी पर्सनल कार बना दूं, लेकिन गाइस मेरे को अपना मिशन भी कंप्लीट करने वाले हैं डॉलर का। तो जल्दी से इसे एक राउंड मार के आते हैं, फिर इसको सेल पे लगा देंगे भाई। भाई 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 भाई, क्या क्या स्पीड है भाई। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। गाइस इसे ड्रैग रेस करके देखते हैं। पिछली वाली ड्रैग रेस में हम हार गए थे, लगता है आज ड्रैग रेस नहीं हो रही है। शेट गाइस, ड्रैग रेस नहीं है, लेकिन वैसे इसको भगा लेते हैं थोड़ी। गाइस देखो भाई, गाइस फुल स्पीड में भाग रही है, 150 अब इससे मस्ती नहीं करते हैं, जल्दी से इसको लेके चलते हैं अपने कार शोरूम पे। क्या पता और भी ज्यादा कार डैमेज हो जाए और हमारे को लेने के दड़े पड़ जाए। जल्दी से इसको लेके चलते हैं अपने शोरूम पे। ओ भाई और ज्यादा डैमेज यार। चलो भाई, चलो क्या पता गाइस, अब इसको जल्दी से रिपेयर करवा लेते हैं। क्या पता हमारे कस्टमर इसको ना खरीदे, टूटी हुई कार देख के इसको ना खरीदे, जल्दी से इसको रिपेयर करवा लेते हैं। और कोई मॉडिफिकेशन की इसमें गाइस जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही इसकी स्पीड बिल्कुल फुल है। बस हमें एक बार थोड़ा सा रिपेयर करवा लेना है, जो कि हमसे रुक गई थी। गाइस वैसे इस कार की स्पीड बहुत अच्छी है, अगर गाइस आज ड्रैग रेस होती तो मैं इसी कार को लेकर ड्रैग रेस खेलता और मेरे को पक्का बताया गाइस मैं जीत जाता। इसमें जीत जाता और उस जीते हुए पैसे को अपने, लेकिन गाइस थोड़े ही पैसे लग रहे हैं, बिल्कुल $200 लग रहे हैं, जल्दी से उसको रिपेयर करवा लेते हैं। और गाइस ये मैं कार लाया था 26,000 और 200 रुपये इसमें लगा दिया था, 27,000 मान लो गाइज, तो इसका 35,000 की बेच देंगे आराम से और हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि हमें मिशन भी कंप्लीट करना है और हमें लेनी है अपने शोरूम के लिए एक लैम्बोर्गिनी। तो जल्दी से अब गाइज बंदा अपने कार को रिपेयर कर देता है, 90% तो हो चुका है रिपेयर। जल्दी से कार में बैठते हैं, स्टार्ट करते हैं इंजन को और जल्दी से बैक लेके गाइज। चलो 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 भाई, ओ भाई ठुकेगी। चलो भाई, वेलकम बैक टू स्वदेशी मोटर्स। और भाई देखो यार, तेरे लिए भाई एक और नई कार ले आया भाई। इस कार में भाई नाइट्रो भी लगा हुआ है, बहुत तेज भागती है भाई। अभी मैं मरता मरता, मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था गाइस भाई, मैं मरता मरता बचा हूँ।
गाइस हमने अपने बंदे को बता दिया है कि अगर गाइस मेरा कभी एक्सीडेंट हो जाए कार से तो हमारे शोरूम को यही संभालेगा आगे से, क्योंकि गाइस ये हमारे शोरूम के लिए बहुत ही ज़्यादा वफादार है। तो जल्दी से इसको 35,000 में लगा देते हैं, फूटी टोन सेल गाइस लगा दिए 35,000 में इसको सेल पर। जल्दी से कोई बंदा आ जाए, बस कस्टमर्स आ जाए इसको लेने के लिए। तब तक गाइस मेरे पास एक स्किल पॉइंट है जिससे कि हम खोल सकते हैं कि हम कार को धो लें, या फिर हम दो स्किल पॉइंट से खोल सकते हैं कि हमारा ये जो दोस्त है ये हमारी कार को धोएगा। तो गाइस मैं सोच रहा हूँ कि हमारे को दो एक और स्किल पॉइंट कर लें। एक स्किल पॉइंट तो हमारे पास पहले से ही, एक और स्किल पॉइंट हो जाएगा तो हमारा ये दोस्त ही हमारी कार धो दिया करेगा। अब तो गाइस कोई कस्टमर इन ऑफिस, गाइस कस्टमर आ चुका है, ये अंकल जी आए हैं गाइस, इनसे पूछते हैं 35,000 28 में दे रहे हैं गाइस, मैं 27 लाया था, इससे 30,000 की पूछता हूँ, 30,000 की पूछता हूँ गाइस। फाइनली गाइस हमारी कार बिक चुकी है, लेकिन गाइस हमारे को सिर्फ इससे 2,000 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, कोई अच्छी सी कार लेके अब उसको जल्दी से करते हैं और उससे हम बड़ा मोटा पैसा कमाने वाले हैं। क्योंकि गाइस मेरे को एक कार दिखी थी टेस्ला, जो कि गाइस हमारे लगता है हमारे मिल सकती है वो रही गाइस, क्या पता इस गली में गाइस मैं एक बड़ी चक्कर नहीं मार के आऊँ। जल्दी से इस गली में चलते हैं एक बार, यहाँ पर कोई गाइस कार मेरे को दिख रही है दोस्तों, तो वो एक सुपरा दिख रही है मेरे को, लेकिन सुपरा तो मेरे को लगता है गाइस ये थोड़ी आउट ऑफ रेंज है। कोई सुपरा के व्हील्स देखो भाई, क्या तगड़े डलवा रखे हैं। पूछता हूँ इस बंदे से कितने की देगा, कितने की सुपरा देने की बात करता है ये। 53,000 इससे बार्गेन करके, 49,478 गाइस टोटल में जितने पैसे हैं मेरे पास सारे के सारे इसको देने के लिए तैयार हूँ। नहीं गाइस ये नहीं ले रहा है, नहीं गाइस ये इतने के लिए नहीं दे रहा है सुपरा को। और गाइस देख पिछली गली में भी सुपरा खड़ी थी, उसको भी तो पूछाते हैं जल्दी से। गाइस आज मेरे को गाइस कैसे भी करके कोई ना कोई अच्छी कार खरीदनी है जिससे कि हम अपना मिशन $1,00,000 का पूरा कर सकें। गाइस चलते हैं जल्दी से, गाइस एक टेस्ला भी दिख रही है मेरे को वहां पर। चलो भाई जल्दी चलो, चलो चलो गाइस मैं एक बार टेस्ला वाले से पूछ के देख लेता हूँ ये कितने ही देगा। भाई 40,000 था, 47 गाइस को 46,500 की बोल के इसको ले लेते हैं, खरीद लेते हैं इससे कार। गाइस फाइनली हमने वर्ल्ड की सबसे साइलेंट कार और इलेक्ट्रिक कार टेस्ला खरीद ली है, इसको जल्दी से अपने शोरूम पे लेकर चलते हैं। भाई देखो भाई इस कार में भाई बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा, और इसकी स्पीड देखो गाइस क्या तगड़ी है, गाइस की स्पीड तगड़ी है भाई साहब, क्या देखो क्या अच्छी स्पीड है भाई इसकी। देखो भाई ड्रिफ्ट गिर, देखो गाइस बिल्कुल साइलेंट, गाइस कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही, इंजन की भी आवाज़ नहीं आ रही, गाइस जो हवाएं चल रही हैं वो गाइस हमको बिल्कुल सुनाई दे रही हैं। अब जल्दी से इसे मस्ती नहीं करते हैं गाइस, क्योंकि पिछली बार मस्ती करने के कारण से हमारे पास हो गया था पूरे के पूरे कार में गाइस हमारे को $200 का नुकसान हो गया था, क्योंकि हमने गाइस उस कार को मस्ती मस्ती में ठोक दिया था। तो इसको हम ठोकेंगे नहीं, इसको हम सीधा लगाएंगे। मैं लेके आया हूँ गाइस इसको 46,000 की, तो इसको लगाएंगे सीधा 68,000 की। तो गाइस लगा दिया है इसको 68,000 की, बस कस्टमर्स आने की वेट करता हूँ मैं। तब तक गाइस इस बंदे को पूछ लेते हैं कि भाई साहब इसका फेस देखो भाई कितना डरावना है भाई, अगर मैं रात को आऊँगा तो भाई मैं डर ही जाऊँगा इसका फेस देख कर तो भाई साहब। लेकिन गाइस एक एक काम तो अच्छा हो गया गाइस, जो लोग कचरा फैलाते थे ना वो गाइस अब आते नहीं है, क्योंकि हमारा ये बंदा पूरी रात यहीं पर ही खड़ा रहता है, और वो जो लोग ये जो कौन से ये वाले लोग थे गाइस ये आते ही नहीं है, ये हमारे उस बंदे से डर के रहने लग गए। और गाइस ये बंदा इनको आने भी नहीं देता है, देखते ही मेरे पास फ़ोन कर देता है भाई जल्दी भागो वो बंदे आ गए हैं। तो गाइस मैं हथियार लेकर आ जाता हूँ, उन बंदों को गाइस मारना पड़ेगा, क्योंकि गाइस जब ये दोस्त हमारा नहीं था ये बहुत ज़्यादा कचरा डाल देते थे अपने ऑफिस पर, और गाइस अब ये आए आते हैं। अगर भाई जिस दिन मैं भाई बड़ा बिलियनर शोरूम बन गया ना गाइस, हमारी लैम्बोर्गिनी का शोरूम बन गया गाइस, इनको भाई इनके घर को ही उड़वा दूंगा गाइस मैं टैंक से। गाइस रात हो चुकी है, लेकिन एक बार इन मैडम जी को पूछ लेते हैं, अगर ये कोई अच्छी सी कार अच्छे से पैसे दे देंगे इस कार के लिए तो मैं इनको बेच देने वाला हूँ। 57,000 गाइस, इसको गाइस 60,000 का लालच देते हैं, वो इसे खरीदवा देते हैं। गाइस 60,000 में हमारी कार डील डन हो चुकी है भाई साहब, अब जल्दी से चलते हैं सोने, और जल्दी से चलते हैं सोने गाइस, लगता है मेरा $1,00,000 का सपना आज ही पूरा हो जाएगा। जल्दी से चलते हैं सोने गाइस, आज तो भाई बहुत ज्यादा मोटा इनकम कर लिया है मैंने, देखते हैं कितना गाइस, तो माइनस में दिखा रहा है।
ओ गाइस, मैंने पहले वाले एपिसोड के बाद मैं सोया नहीं हूँ एक बार भी, इसलिए माइनस में दिखा रहा है, वरना गाइस हमने हमने बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाए हैं। तो अब जल्दी से चलते हैं, हमारे पास 46,000 थे और अब हमारे पास हो चुके हैं 62,000। पैसा यार कितना कमा लिया टोटल। 46,000 थे और आज हमारे पास हो चुके हैं 68,000 गाइस, 62,000 सॉरी गाइस। तो हमने टोटल कमा लिए हैं पूरे के पूरे 14 to 16, 15 16 हज़ार गाइस मैंने रुपए कमा लिए हैं। इस सुपरा वाले से पूछ लेता हूँ गाइस, पिछली वाली सुपरा तो मेरे को मिल रही थी 50-52 की, और ये गाइस 62 की दे 69 की दे रहा है गाइस। ये बहुत ज़्यादा महंगी है भाई, ये तो ये नहीं लेने वाला हूँ मैं। इससे अच्छा गाइस हमारी एक और टेस्ट ले लेता हूँ, क्योंकि टेस्ला गाइस बहुत अच्छे तरीके से बिक जाती है। लेकिन इससे पहले मैं पीछे वाली गली में गाइस मेरे को मस्टैंग दिख रही है शायद, ओ भाई मस्टैंग भी गाइस एक बहुत अच्छी सुपर कार है, मतलब सुपर कार नहीं स्पोर्ट्स कार है। तो इससे पूछ लेता हूँ ये कितने की दे रहे हैं, वरना गाइस मैं दोबारा से टेस्ट। भाई इसका फेस देखो भाई, क्या फेस है भाई इसका, इतना मोटा हो चुका है भाई। इसका पेट देखो भाई, 21,000 की मस्टैंग भाई, 21,000 की मस्टैंग गाइस। अभी मेरा ध्यान गया 20, सिर्फ और सिर्फ 21,000 की मस्टैंग। जल्दी से इसको 9,500 जल्दी से देख कर उसमें मस्टैंग को ले चलते हैं। नहीं गाइस नहीं ले रहा ये, 20,000 20,000 नहीं गाइस, ये इसको 21 में खरीदना पड़ेगा हमें। और गाइज लगता है मेरे इस कार की कंडीशन देखता हूँ गाइज, ये 52% डैमेज है, इसको जल्दी से रिपेयर करवा के और इसको हम बेच देंगे $80,000 में, और शायद हमारा पूरा हो जाएगा गोल $1,00,000 का, और $1,00,000 का गोल कंप्लीट होता ही मैं ले लूंगा टोयोटा सुप्रा। जू 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 करती है जो गाइज फुल स्पीड में भागती है गाइज कार में, गाइज ड्रिफ्ट किट है गाइज, ये तो मेरे से संभाल नहीं रही है भाई। स्पीड कम कर लेता हूँ गाइस, क्या पता ठुक जाएगी गाइस, और ज्यादा नुकसान हो जाएगा गाइस। ड्रैग रेस देख खाता हूँ गाइस एक बार में, गाइस ये फरारी वाला बंदा है, इससे गाइस पंगा नहीं लेना है, क्योंकि गाइस फरारी एक सुपर कार है, वो हमारी गाइस एक मस्टैंग है जो कि एक स्पोर्ट्स कार है, जो कि आपको पता ही है हारने वाली भाई। इस कार में ड्रिफ्टिंग कार किट है, जो कि यार गाइस ड्रिफ्ट के लिए यूज होती थी। थोड़ी स्पीड कम कर लेते हैं गाइस, और गाइस आज कार मार्केट प्लेस भी ओपन है। ओ भाई देखो भाई क्या ड्रिफ्ट मारी भाई, बिल्कुल कार 360 रोटेट हो गई। इसको जल्दी से करवा लेते हैं भाई, 1400 रुपीज लग चुके हैं हमारे रिपेयर के, और हम लाए थे इसको 21,000 में, तो टोटल हो गए हमारे 35,000, और इसको हम बेच देंगे 80,000 में। इस सिंगल कार से हमारे को आज जाएगा प्रॉफिट 45,000 का, और फिर हम बन जाएंगे गाइस एक $1,00,000 के मालिक, और वो भी गाइस सेकंड एपिसोड में $1,00,000 कमा देंगे गाइस हम। अब जल्दी से इसे पूछ लेते हैं गाइस ये कितने की देने वाला है, थोड़ा टाइम लगे गाइस। गाइस मेरे को लगता है ये थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगाएगा। तो गाइज फाइनली हमारी कार रिपेयर होने वाली है, बस कुछ ही सेकंड और गाइज हमारी कार रिपेयर हो चुकी है। जल्दी से इसमें बैठते हैं और इसको स्टार्ट करके ले चलते हैं अपने शोरूम पे। ओ भाई ठुकेगी, अभी ठुक जाएगी गाइज ये। गाइज कार के अलावा देखो भाई क्या तगड़े है, गाइस चलो 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 भाई ये कार। गाइस जब भी मैं इस कार में बैठता हूँ भाई मैं तो डर जाता हूँ बिल्कुल, क्योंकि गाइस एक ड्रिफ्ट कार है, और ये मेरे से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होती है, मेरे तो गाइस आवाज़ भी नहीं निकलती है जब मैं इस कार को चलाता हूँ। तो जल्दी से अब इसको सेल पे लगा देते हैं गाइस, मेरे हिसाब से 80,000 तक की तो बिक जानी चाहिए, क्योंकि गाइस मैंने बहुत ज़्यादा गेमर्स को देखा है जो कि इसको $1,00,000 तक की बेच देते हैं। लेकिन गाइस हम उतने बड़े गेमर नहीं हैं, और आज हमारा सेकंड या थर्ड एपिसोड है, तो हम इसको जल्दी से बेच देते हैं सिर्फ और सिर्फ 80,000 में। अगर ये इतने में बिक जाते ठीक है, वरना गाइस हम इसको और भी कम कर देंगे, क्योंकि हमें आइज एक ही गाड़ी पर नहीं टिकाना है, हमें और ज़्यादा ही ज़्यादा गाड़ियाँ लानी है जिससे कि और ज़्यादा प्रॉफिट बना सकें। अगर हम इसे एक गाड़ी पर डिपेंड होंगे तो गाइस क्या पता कस्टमर उसे ले या ना ले, और हमारे पास गाइस पैसे आए या ना आए। जल्दी से अब देख लेते हैं कस्टमर्स गाइस कार मार्केट प्ले। ओ कस्टमर आ गए गाइस, गाइस नीचे से निकलते हैं या ऊपर से गिरते हैं यार मेरे को समझ में ही नहीं आता है। अब जल्दी से उसके पास चलते हैं, पूछते हैं गाइस ये कितने में लेने के लिए तैयार है। गाइस हमारी कार बिल्कुल कंडीशन फर्स्ट क्लास कंडीशन है, बिल्कुल भी डैमेज नहीं है गाइस, देखो 0% डैमेज है। 80,000 48 की गाइस ये दे रहा है। गाइस मेरे पास एक स्किल पॉइंट भी है जिससे कि मैं आइज अभी की अभी गाइस एक बेटर बार्गेन खोल रहा हूँ।
गाइज एम्प्लॉय कार वाश का तो मैं गाइज बाद में भी खोल सकता हूँ, लेकिन पहले बेटर बार्गेन खोल रहा हूँ। 48 में ही दे रहा है गाइज, मैं 52 की इससे ले लेता हूँ, फिर भी इसको बेच देता हूँ। फाइनली गाइज 92,000 डॉलर हो चुके हैं, बस हमारे 8,000 डॉलर और बचे हैं, जिससे कि हम जल्दी से कार मार्केट प्लेस में चले जाते हैं एक बार, और इस कार मार्केट प्लेस में जाके और कोई अच्छी सी कार देख लेते हैं जिसको कि हम और ज़्यादा प्राइस में बेच सकें और हमारा आज का मोटिव कंप्लीट कर सकें। तो जल्दी से गाइज मेरे को बहुत ज़्यादा कार्स दिख रही हैं, एक मस्टैंग और दिख रही है मेरे को गाइज, सामने हमारी ड्रीम कार लैम्बोर्गिनी भी है गाइज, यहाँ पर एक पोर्शे भी खड़ी है, और तो गाइज और कुछ सुपर कार मेरे को दिख नहीं रही है। और गाइस अब मस्टैंग वाले से पूछूंगा, क्योंकि गाइस मेरे को एक मस्टैंग कार ही इसमें अच्छी लग रही है जो हमारे को और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकती है। ये गाइस 31 में दे रहा है, और ये कह रहा है 54,000 में। गाइस मेरे को पता नहीं है कार कितने तक की बिक सकती है, इसलिए मैं मस्टैंग लेने के लिए ही तैयार हूँ। 31 में ये दे रहा है, मैं इसको 25 तक की लेने के लिए तैयार हूँ गाइज, अगर 25 तक की दे देगा तो ठीक है, वरना गाइज इसको 28,000 बोल देंगे, पहले इससे 26,000 करते हैं। नो गाइस 26,000 में नहीं दे रहा है ये, 28,000 तो बोल देते हैं भाई फाइनल, बस इससे ज़्यादा गाइस मैं नहीं देने वाला हूँ। नो गाइस अब हमको 31 में खरीदनी पड़ेगी, 31 में गाइस फाइनली ये कार हमारी हो चुकी है, इसको भी जल्दी से लेके चलते हैं अपने शोरूम पे, बिल्कुल धीरे धीरे लेके चलना पड़ेगा, क्या पता गाइस ये कार डैमेज हो जाए, फुल स्पीड में लेके चलते हैं गाइस इसको। भाई 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 क्या भाई स्पीड है बस टैंक की, वो भाई साहब, लेकिन गाइस वो अपने जो दोस्त चैलेंजर थी वो इससे अच्छी थी। गाइस अगर हमारे पास 2 लाख या 3 लाख डॉलर होंगे अगले एपिसोड में, तो गाइस हम इस कार ऑक्शन में भी जाएंगे, और इसमें गाइस मैंने सुना है कि निसान जीटीआर जैसी कार आती है जो कि बहुत रेयर है इस गेम में, तो उसको अपने कार कलेक्शन में ऐड करेंगे। तो गाइस अभी फिलहाल तो हमारा 1 लाख डॉलर का ही हमारा मोटिव है, तो 30,000 के लिए लाया था ये, 0% डैमेज 0% पेंटेड गाइस, ये बिल्कुल की बिल्कुल न्यू कंडीशन में ये कार है, और इसको तो हम गाइस निकाल सकते हैं 85,000 तक गाइस, क्योंकि गाइस पिछली कार हमने निकाल दी थी बहुत ज़्यादा महंगी, तो इसके बाद भी बहुत ज़्यादा महंगी निकाल सकते हैं। जल्दी से बस कोई आ जाए एम्प्लॉय एम्प्लॉय जल्दी आ जाए गाइस, बस एक बार गाइस कस्टमर ही नहीं आ रहा है यार, एक तो इतनी तगड़ी मस्टैंग खड़ी हुई है 0% बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंडीशन में, और तब भी गाइस कोई कस्टमर नहीं आता, तो गाइस बहुत दुख होता है। तो गाइस तब तक कस्टमर नहीं आता है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा आपको ये एपिसोड, और गाइस तब तक कस्टमर आता है तब तक गाइस जल्दी करो लाइक यार, अभी कर दो गाइस, अभी कर दो यार, बाद में क्या पता तुम भूल जाओ या फिर दूसरी वीडियो चले जाओ, अभी करो गाइस लाइक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। तो तब कस्टमर नहीं आ रहा गाइस क्या करें, जंकयार्ड में चले जाते हैं गाइस, तब तक क्या पता हम वहाँ से पैसा बढ़ा सकते हैं, मेटल्स के पीस वहाँ पर मिल जाते हैं पड़े गिरे हुए तो उनको बेचकर, और एक मेटल का पीस $20 का बिकता है, तो वहाँ से 100-200 डॉलर तो ले ही लेंगे। एक पीस हो गया, दो पीस, टू पीस तो गाइस मेरे को मिल चुके हैं, थ्री पीस, फोर पीस गाइस, गाइस एक और पीस दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, फाइव पीस गाइस, सिक्स पीस गाइस, सिक्स पीस हो चुके, $120 का काम हमारा हो चुका है पूरा पूरा, इसको जल्दी सेल करते हैं। कस्टमर भी हमारे ऑफिस में आ चुके हैं, तो जल्दी से अपने ऑफिस में चलते हैं शोरूम पे, जल्दी चलते हैं गाइस, इनको पूछते हैं कितने दे रहा है गाइस। और गाइस ये हमारा बंदा ये ध्यान रखता है कि क्या पता कोई कस्टमर हमारी गाड़ी कोई चोरी करके ना ले जाए, तो गाइस हमें गार्ड के रुपए भी नहीं देने पड़ते। गाइस ये बंदा तो वही है जो हमें नेबरहुड में मिला था, ये 42,000 दे रहा है सिर्फ गाइस, ऐसा क्यों है गाइस, मैं नहीं बेचूंगा इसको भाई, बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। और गाइस इससे अच्छा मैं एक और कार खरीद लाता हूँ, तब तक कस्टमर आते हैं तब तक एक कार मार्केट प्लेस से एक और कार खरीद लाता हूँ अच्छी सी, जो कि हमें 20 या 30,000 तक के प्रॉफिट देश के मस्टैंग के लिए, जब तक कस्टमर आते हैं तब तक मैं एक और ले जाता हूँ गाइस। गाइस 6 बजने वाले हैं और शायद इस गेम में 7 बजे तक शाम हो जाती है, एक दो चैलेंजर खरीद लेते हैं गाइस, इससे पूछता हूँ गाइस ये कितने की दे रहा है, सिर्फ 20,000 की गाइस, 35,000 तक के आराम से बिक जाती है, और इससे पूछ लेता हूँ अंकल जी से कितने की दे रहे हैं ये, 21,000 की, तो गाइस मैं इन्हीं बंदा से
इस बंदे से खरीदना चाहता हूँ। 20,000 की गाइस दे रहा है, इससे ले लेते हैं 18,500 की। गाइस ये बंदा भी नहीं ले रहा है तो इसको हम कर लेते हैं 19,299। गाइस अमेजोन वाला प्राइस इसको लगा दिया है मैंने। फाइनली गाइस ये कार हमारी हो चुकी है। और गाइस मस्टैंग के लिए हमारा कोई भी वो नहीं आया है। गाइस हमारे मस्टैंग के लिए एक भी वो नहीं आया है। शोरूम में कोई भी कस्टमर नहीं आया। लेकिन गाइस स्पीड देखो इस कार की। लेकिन गाइस मैं थोड़ा धीरे धीरे चलाता हूँ इस कार को। ओ भाई ओ ओ भाई ओ भाई डैमेज कार, डैमेज गाइस कार डैमेज। गाइस इसको भी जल्दी से लगाते हैं अपने 19,000 की। मैं इसको लाया था, इसको मैं बेचने वाला हूँ पूरे पूरे $38,000 की। लगा दिया गाइस मैंने इसको सेल पे। और गाइस अब बस कस्टमर्स की वेट करनी है बस। गाइस हमारे मस्टैंग के लिए कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा। गाइस मेरे को मस्टैंग के लिए, अपनी मस्टैंग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। गाइस इतनी ज़्यादा चकाचक फर्स्ट कंडीशन में हमारी मस्टैंग खड़ी है, 0% डैमेज, 0% वो, फिर भी कोई भी कस्टमर क्यों नहीं आ रहा। गाइस जल्दी आओ भाई कस्टमर्स। गाइस मैं सोच रहा हूँ कि तब तक मैं एक और दो चैलेंजर ले आता हूँ अपने कार मार्केट प्लेस से। जल्दी से चलता हूँ कार मार्केट प्लेस में। तो भाई नेक्स्ट, तो गाइस अब तो रात हो चुकी है, जल्दी से कस्टमर कंटेनर में चलते हैं सोने। और कल गाइस मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों कार्स को ही मैं बेच दूंगा, कोई और नई कार नहीं लूंगा। क्योंकि गाइस अगर हम कोई नई कार लेंगे तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम लगेगा और वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और गाइस आज तो हमारा गाइस मोटिव कम्प्लीट नहीं हो पाएगा, शायद हो जाएगा गाइस, पक्का नहीं पता मेरे को। अगर ये दोनों कार हमारी बिक जाती हैं तो हम गाइस पूरे पूरे। गाइस आज तो कार ऑक्शन भी है। और जल्दी से अब चलते हैं अपने कार ऑफिस पे। तो गाइस आ गए ऑफिस पे और अपना बंदा देखो गाइस सफाई कर रहा है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनती बंदा है गाइस ये। मेरे मैंने इसको बोला भी नहीं कि भाई इस कार ऑफिस की सफाई कर, फिर भी गाइस सफाई करने लग रहा है। गाइस लगता है ये मैडम जी आई हैं इसके लिए, डो चैलेंजर के लिए। तो गाइस ये मैडम पूरी घूम के देख के आई है कि हमारी गाड़ी कंडीशन कैसी है। तो इससे पूछ लेते हैं कितने देने के चलते तैयार है। 38,000 गाइस मैंने मांगे हैं, ये 31 में दे दिए इसको गाइस। 34 में डील डन करते हैं इनसे और ले जाओ मैम अब मैं। फाइनली गाइस अब हमारी बस ये कार 25,000 तक की ही बिक जाएगी तो भी हमारा गाइस गोल कंप्लीट हो जाएगा। बस इसको मस्टैंग के लिए कोई आ जाए। गाइस मैं एक सोच रहा हूँ कि गाइस ये मस्टैंग थोड़ी दीवार से अट रही है तो ये थोड़ी डैमेज हो रही है, इसको एक बार सेल से हटा के और थोड़ी सी पीछे करके खड़ी करते हैं। गाइस हमारी ऑफिस के बिल्कुल सामने लगा दिया है हमने अपनी मस्टैंग को बिल्कुल। भाई साहब देखो स्वदेशी मोटर्स की आगे पूरी मस्टैंग लग चुकी है। अब जल्दी से इसको सेल पे लगाते हैं। मेरे को लगता है गाइस अब कस्टमर्स आ जाने चाहिए। और गाइस 85,000 तो मैं नहीं लगाऊंगा अब की बार, मैं गाइस मैं कम लगाऊंगा थोड़ा सा अब की बार। 65,000 गाइस बहुत होंगे। बस जल्दी से अब कस्टमर्स आ जाएँ गाइस। तो गाइस अब गाइस कोई कस्टमर, गाइस मेरे को लगता है गाइस इस गेम का नया एक्स्ट्रा अपडेट आने वाला है। मैंने लीक देखी थी उसमें कि गाइस कस्टमर्स अपने ऑफिस में आके बैठ जाएंगे अगर हम अपने ऑफिस में नहीं होंगे तो। और हम अपने ऑफिस को गाइस मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे को पहले अपने पैसा कमाना पड़ेगा। और अब गाइस देखो गाइस हमारी मस्टैंग बिल्कुल चकाचक है। तो फाइनली गाइस हमारी मैम आ चुकी है अपनी कार को खरीदने के लिए। इन मैम से गाइस पूछते हैं गाइस जी मैम, तो गाइस पूरा का पूरा गाइस एक राउंड लेके अपनी कार को देख रही है। गाइस मेरे को लगता है कि गाइस ये कोई रेसर वेसर है जो कि मस्टैंग को रेस के लिए यूज़ करने के लिए लाई है। तो गाइस जो ऐसे ही गाइस घूर घूर के अपनी कार को देख रही थी। 44,000 दे रहा है। एक और कस्टमर आया है गाइस, इससे पूछ लेते हैं कितने की दे रहा है ये। वो गाइस मैम 44,000 दे रही थी, ये भी 44 दे रहा है। 48,000 में गाइस डील डन करते हैं। फाइनली गाइज हमारे $120,000 कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइज अब मैं सोच रहा हूँ कि इससे खुशी में एक बार चला जाए एक बार रेड बार में और वहाँ से करा जाए थोड़ी सी पार्टी शार्टी। तो गाइज जल्दी से चलते हैं रेड बार में। रेड बार गाइज ये रहा।
गाइस गाने भी बज रहे हैं रेड बार के अंदर। गाइस ये बंदा कौन है, बिल्कुल खतरनाक सा है। गाइस मैं इसके पास आ रहा हूँ तो ब्लैक मार्केट का ऑप्शन आ रहा है, तो ये पर क्लिक करते हैं। गाइस ये तो हमको एक टैब दे सकता है जिससे भी हम अपने कंटेनर में बैठे बैठे ही अपने कार्स को सेल पर लगा सकते हैं। और तो गाइस जल्दी से इसको कर लेते हैं, एक बार खरीद लेते हैं। गाइस फाइनली हमने एक टैब खरीद लिया जो कि गाइस ये रहा, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी कार्स की फोटो वोटो भी खरीद सकते हैं। तो अभी तो गाइस कुछ नहीं करते हैं, अभी तो सीधा चलते हैं, थोड़ी सी बियर खरीद लेते हैं। दो बोतल गाइस मैंने खरीद ली क्योंकि गाइस ज़्यादा पीने के लिए सेहत के लिए हानिकारक होती है, तो जल्दी से एक बोतल जल्दी से टाप जाते हैं पूरी की पूरी। आज गाइस खुशी का दिन है पूरा, क्योंकि हमारा पूरा 1 लाख डॉलर का एम था और हमारे हो चुके हैं 1,20,000 डॉलर। तो गाइस मैंने पी ली है, तो गाइस आज की वीडियो की एंडिंग करते हैं रेड बार के सामने ही। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एपिसोड 3 लिख दें। और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन भी दबाएं, जैसे कि हमारी वीडियोज़ की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ सके और आप हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सको। तो गाइस थैंक यू टू विजिटिंग स्वदेशी गेमर्स।